आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान काशी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन पूजन किया। इसके बाद दोनों गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी गाजीपुर में चुनाव का संगनाद कर दिए हैं। वहीं संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने सैनिका का देश की लगातार सेवा करने वाले को धन्यवाद दिया है और कहा कि भाजपा भी लगातार देश की सेवा करती है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद है। विभांशु, लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल में बीजेपी ने क्यों शुरू किया है अपना मिशन 2024 और कितनी रणनीति के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं आप जेपी नड्डा? जी मनीष जी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्हें दोबारा जब अपने पद के लिए एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि जिम्मा उन्हें फिर दिया जाता है, उसके बाद वो अपने जो चुनावी बिगुल है वो एक तरह से देख सके तो बन चुका है। 2024 चुनाव का चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से उत्तर प्रदेश से हुआ है। कहा जाता है कि सत्ता की चाबी जो 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत की अगर बात करें तो जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कल आकर और 2 दिवसीय दौरे की कल शुरुआत हुई, जहाँ बनारस में आकर काल भैरव बाबा एवं काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किए। उसके ठीक बाद अगर देखा जाए तो उनकी अगुवानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की। आपको बताया कि कल बनारस में लोगों को मिले, साथ ही आज सुबह वहाँ नुक्कड़ पर जाकर चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके ठीक बाद बात करें तो वो गाजीपुर पहुंचे, जहाँ पर ITI मैदान में एक किसान जनसभा को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हो, चाहे बात की जाए हर घर पेयजल की व्यवस्था, चाहे बात की जाए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम कार्य है, आज उसको पूरी तरह से जनता के बीच रखते हुए नजर आए हैं। वहीं उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि आज विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समय विकास की जो चक्र था उसमें कहीं ना कहीं रुक गया था और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से विकास की कहीं ना कहीं झलिया नजर आती है। विभांशु बताएं, विभांशु क्या 2019 में हारी सीटों को लेकर पूर्वांचल को फिर से साधने की तैयारी में जुटते नजर आ रहे हैं और इनकी जो पार्टी पदाधिकारी के साथ जो बैठक हो रही है, जो संगठन की बैठकें हो रही हैं, क्या वो भी इसी ओर इशारा करती नजर आ रही हैं कि हम जो सीटें लूज कर गए हैं उन सीटों पर मजबूती के साथ अपनी पकड़ दोबारा बनानी? जी बिल्कुल, आपको मनीष जी बताएं कि जब पूर्व में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जो भी सीटें हारी और साथ ही भी हारे सीटें हैं वहाँ पर क्या कमियां रही, उसको भारतीय जनता पार्टी सर्वे के माध्यम से निकाल कर अब वहाँ वहाँ जाकर उसके जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ से ऊपर ले जाने में लगे हुए हैं। जहाँ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो साफ तौर से मनीष जी अगर देखा जाए तो उन्होंने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर हमला बोलते हुए कहा कि कहीं ना कहीं आप एक बाहुबली को जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं और उनके परिवार में कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी, उनके भाई गाजीपुर के सांसद को कहीं ना कहीं देखे तो आज उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आपने गलत सांसद चुना है जिससे गाजीपुर की विकास की रफ्तार कम हुई है। तो इससे साफ है मनीष जी कि जो पूर्वांचल में एक अहम सीट है गाजीपुर, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी संगठनास की शुरुआत करके बनारस के ठीक बाद पहली जनसभा को संबोधित वो गाजीपुर में कर रहे हैं, जिससे साफ है कि जो हारी सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना फुल फोकस लगाकर अब उसे वापस जीतने के लिए हर एक पैतरा अपना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी मनीष जी की जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस तमाम दल अपने तमाम दावे कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से रोकेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली सीटों के साथ साथ जहाँ पे हार हुई है
वहां पर फुल फोकस लगाकर और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हम 80 से 80 सीटों में जीत हासिल करेंगे। वो देखने वाली बात होगी, मगर कहीं ना कहीं से माना ये जा रहा है इस दौरे से कि 2024 का जो चुनावी संघनाद है उसका बिल्कुल बच चुका है। जी विवांशु, इस खबर पे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम के मेयर और पार्षदों के कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। अब से नगर निगम की कमान नगर आयुक्त के हाथ में होगी और कार्यकारिणी के स्थान पर डीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा जो निगम के बड़े मामलों का निर्णय लेगी। इसके साथ ही उनकी संवैधानिक पावर भी खत्म हो गई है। आज से पार्षद पूर्व पार्षद हो जाएंगे और मेयर पूर्व मेयर हो जाएंगे। अब से निगम की पूरी बागडोर अधिकारियों के हाथ में होगी। ना मेयर का हस्तक्षेप होगा, ना हाउस का दबाव रहेगा। अधिकारियों के अपने फैसले होंगे और अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करेंगे। जनता का प्रतिनिधि प्रशासन और सरकार के बीच से हट जाएगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर अब माननीय कोर्ट में मामला है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुहानी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहानी, कार्यकाल खत्म होने के बाद कब से ये नई व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी? नया जो प्रशासक समिति 3 अधिकारियों के साथ गठन किया गया है और यही प्रशासक समिति अब उत्तर प्रदेश के नगर निगम के जो भी कार्यभार था वो संभालेगी। वही पूरा नगर निगम के सफाई से लेकर सड़क की व्यवस्था सारी कार्य ये जो है प्रशासक समिति ही देखेगी। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जब तक निकाय चुनाव नहीं होता है प्रशासक समिति उत्तर प्रदेश के सभी कार्यों को सही से करेगी, जैसे पहले कार्य होता था, जो आम जनता को कोई नुकसान ना हो, कोई उनको कोई उनकी परेशानी ना हो, और जो भी कार्य है वो प्रशासक समिति देखेगी और पहले की तरह ही सारी व्यवस्थाएं होगी। और प्रशासक समिति को गठन करने का मेन मुद्दा भी ये भी है कि जो G20 सम्मेलन और जो इन्वेस्टमेंट समिट होना है उसे देखते हुए प्रशासक समिति का कार्यभार सौंपा गया और कार्य ये करेंगे वही देखते हुए इनका कहना है। नगर आयुक्त का ये भी कहना है कि जो पहले कार्य होता था वैसे ही होगा, वही वैसे ही आम जनता के बातों को समस्याओं को सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा, कोई भी कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ पर उनका नगर आयुक्त का ये भी कहना है कि जो प्रशासक समिति का जो कार्य होगा एक रूटीन तहत ही होगा और ये कोई भी नीतिगत कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो भी कार्य पहले की तरह ही अभी भी कार्य होगा, नगर निगम का सफाई से लेकर सड़क व्यवस्था सारे काम पहले की तरह ही होगा। सुहानी, इस कमेटी में कौन कौन हो सकता है शामिल और 5 सालों में मेयर और पार्षदों ने कितना काम किया है इस बारे में भी कुछ बताएं। जी, मैंने इसमें बता दें कि इस समिति में 3 जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। इसमें हैं डीएम सूर्यपाल गगवाल, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और डीएम प्रशासन विपिन कुमार मिश्रा हैं। और साथ में इंद्रजीत का यही कहना है कि जो भी कार्य पहले की तरह होती थी वही कार्य होगा और जो लोक मंगल दिवस जो आयोजन पूर्व की तरह ही होगा और इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें जो पहले कार्य में होता था हमको 29 नंबर पे जो साफ सफाई में जो बढ़ के आ गई है उत्तर प्रदेश, तो आपको बता दें कि जो पहले के अधिकारी थे काफी अच्छा काम किए, चाहे वो सड़क व्यवस्था हो, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे ये ठंडी में अलाव की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं साफ तौर पे हुई। और वही व्यवस्थाएं जो अब कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नगर आयुक्त का ये भी कहना है कि उसमें कोई कमी नहीं आएगा और जो प्रशासनिक समिति है वो पूरी तरह से अपने कार्य को पूरा करेगा और अपने जो अधिकार इनका मिला है वो पूरे जनता को सामने देगी। कोई भी जो आम जनता हो उनकी कोई समस्या ना हो इसकी पूरी देखभाल की जाएगी और उनका जो उनका काम होगा वो सर्वे परी होगा, उनको देखते हुए हम ये काम करेंगे। सोनिया, आपको क्या लगता है कब तक हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव और क्या ओबीसी का TDD के तहत होंगे आगामी नगर निकाय चुनाव? जी, मैं सबको बता दें कि ये जो निकाय चुनाव में जो देरी हुई है अब ये कोर्ट जो ये माननीय कोर्ट में फैसला चला गया है, अब ये कोर्ट फैसला करेगा कि TDD होगा या नहीं होगा और ये TDD ही कहेगा कि कब चुनाव हो सकता है। और उसके बाद जो नगर आयोग है वो डेट फिक्स कोर्ट के आदेश आने के बाद जो नगर आयोग होगा वो बताएगा कि कब चुनाव हो सकता है। जब तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हो सकता है तब तक ये प्रशासक समिति अपना काम करेगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाती है, TDD होगा या नहीं होगा और कब तक निकाय चुनाव का फैसला आ सकता है। सुहानी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कुश्ती महासंघ अब एक अखाड़ा बन गया है। इसके केंद्र में महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और देश के करीब 30 नामी पहलवान हैं जो कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। यौन शोषण का आरोप और जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन देने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने
प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ अपने आवास पर एक बैठक की थी, जिसमें बजरंग दल पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, रवि दहिया शामिल थे। आपको बता दें कि पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोचों पर महिला रेसलर के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें सवालों के घेरे में ब्रजभूषण शरण सिंह फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर बराबर ही दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, जिसको लेकर अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई जानकारी नहीं दी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुजीब आलम गोंडा से मौजूद है। मुजीब, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अभी आपके पास क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? आपको अपडेट ये है कि हम लोग यहाँ से सुबह से कल में आज दोपहर में एक पेटी रखी गई थी 12 बजे के टाइम, माननीय और 12 बजे हम पेटी करके जो भी होगा इसका खुलासा करेंगे। जो आज कुछ यहाँ पे सीनियर जो है यहाँ पे आज इसका प्रतियोगिता के बाद इन्होंने कहा 5 बजे अभी इसका खुलासा करेंगे, जो भी होगा अपना पक्ष यहाँ पे रखेंगे। अभी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बात कही है। मुझे क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर इस्तीफे की बात जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, ये कहाँ तक सही है? जी, जो जिस तरीके से जंतर मंतर पर देख रहे हैं प्रदर्शन चल रहा है, उस हिसाब से उन लोगों ने 4 सूत्री की मांग की गई है, जिसमे उच्च अधिकारियों ने इसे आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करा करके जो भी होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। मुजीब, क्या प्रदेश संगठन की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सरकार कोई एक्शन मोड में नजर आ रही है? अभी देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल यहाँ कुछ इनके बयान में जो भी नजर आते हैं, इन्होंने कहा कि राजनीति साजिश का ये हिस्सा है, जिस तरीके से कांग्रेस को इन्होंने घेरा है, उसके बाद में इन्होंने जो है एक बिजनेस का नाम दिया, नाम नहीं ले रहे, खाली बिजनेसमैन कह रहे हैं। अब बिजनेसमैन का नाम नहीं ले रहे कि कौन सा बिजनेस कह रहे हैं कि ये राजनीति साजिश के तहत 30 सालों के बाद बदला आज ले रही है कांग्रेस, और इस मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों का कहां तक खंडन किया है और क्या कहा इस पे? जी, इस पे तो इन्होंने कहा है कि साफ साफ इनकार रहे कह रहे हैं कि जिस दिन ये बात पूरी हो रही है कि उस दिन उस दरवाजा खुला करने की बात कर रहे हैं, उस दिन वो वहां पे उस कमरे में थी ही नहीं। मुझे भी इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवरियों में एक ट्रेलर ने सड़क किनारे अलाव जलाकर बैठे लोगों को रौंद दिया है। हादसे के बाद मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और राहत बचाव कार्य में जुट गई है। आपको बता दें कुछ लोग सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास ठंड से बचने के लिए सड़क के किनारे अलाव जलाकर बैठे थे, तभी अचानक अनियंत्रित ट्रेलर यह भीषण हादसा हो गया जिसमें लोगों की मौत हो गई। ट्रक सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास बराज की तरफ से आ रहा था और रुद्रपुर की तरफ जा रहा था, और सुबह बगल में कुछ लोग आग ताप रहे थे, 4-5 लोग 6 लोग थे। एक साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में ट्रक वाला एक साइड में काटा है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर के आग तापते हुए लोगों को रौंदते हुए और दीवार में जा करके घुस गई है। कितने लोग वहाँ ऑन द स्पॉट? तो 2 आदमी को हम लोग तो अपने आँख के सामने निकाले हैं। एक ड्राइवर की भी मौत हुई है और जो साइकिल वाले को चोट लगी थी वो उसकी भी मौत हो गई है। ये मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव गांव के निकट ये दुर्घटना हुई है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे आकर और एक आगे दीवार से ट्रक टकरा कर रुक गया। इसी दुर्घटना में जो सड़क के किनारे 3 लोग खड़े थे उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो ट्रक है उसको सीज कर दिया गया है। मुकदमा मदनपुर थाने पर पंजीकृत किया गया है और जो ड्राइवर है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। इस खबर पर संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद है। विभांशु, तेज रफ्तार ट्रेलर ने तीन चार लोगों को रौंद दिया जो कि वहां पे अलाव के पास बैठ के ठंड से राहत के लिए आग ताप रहे थे और इस अनियंत्रित ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौतें भी हो गई हैं। इसको लेकर अभी क्या जानकारी आपके पास है? दिल दहला देने वाली घटना हुई है। आपको बताएं कि बरहज मार्ग से आज सुबह अलाव ताप रहे लोग ट्रेलर का शिकार बने हैं। आपको बताएं कि एक अनियंत्रित ट्रेलर जो कि ट्रक थी, जो सुबह बरहज मार्ग से वहां से गुजर रही थी और ठंड से राहत पाने को लेकर लोग अलाव ताप रहे थे, तो आपको बताया कि अनियंत्रित जो ट्रक थी, जो ट्रेलर थी, वो सबसे पहले साइकिल को अपना निशाना बनाती है, उसके ठीक बाद
जो लोग अलाव ताप रहे थे उसमें अगर बात की जाए तो लगभग 6 से 7 लोग अलाव ताप रहे थे मिली जानकारी के अनुसार। उसमें से ऑन द स्पॉट बात की जाए तो साइकिल सवार और 2 अलाव तापने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। उसके बाद आपको बताएं कि ये मामला धीरे धीरे वहां आस पड़ोस के गांव के लोग वहां एकत्रित हुए और जो ट्रेलर चलाने वाला चालक था वो भी इस हादसे का शिकार बना, उसे भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराया गया है। साथ ही साथ राहत बचाव के कार्य बहुत तेजी से किए गए और कुछ माहौल न बिगड़े। साथ ही साथ जो परिवारजन थे उनके तमाम जो परिजन थे वो मौके पर मौजूद हो गए और नारेबाजी करने लगे कार्रवाई को लेकर। उसके ठीक बाद वहां 2 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है और बात की जाए तो पूरे पुलिस की प्रशासन की निगरानी में अंतिम संस्कार के लिए अब वहां के उनके परिजन रवाना हो रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस घटना से को संज्ञान में लेते हुए देवरिया के विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने शोक संवेदना जाहिर की है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वहां के सांसद देवरिया सांसद रमापति त्रिपाठी ने भी मौके पर जाकर और लोगों से संवेदना प्रकट की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां ये मामला आज सुबह लोग अगर देखे तो ठंड से बचाव के लिए आग ताप रहे थे और वो मौत की नींद सो गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन्हें कोई सरकार की तरफ से राहत दी जाती है। जी विभाषु, ये ट्रेलर अनियंत्रित हुआ है क्या, वहां पे कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है या फिर जो चालक था वो नशे में बताया जा रहा है? बात की जाए तो स्थानीय लोगों के मुताबिक जो चालक था अब वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, मगर ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब ये अगर देखे तो जो डेड बॉडी है उनके पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि जो चालक था उसने शराब पी थी कि नहीं पी थी। मगर बात की जाए तो बरहज का जो ये संपर्क मार्ग है, देवरिया से बरहज का संपर्क मार्ग है वो एक आउटर सड़क है और खास तौर से अगर देखे तो शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखे तो कहीं ना कहीं फॉग देखने को मिल रहा है, मतलब कोहरा देखने को मिल रहा है। तो साफ है मनीष जी कि एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि कोहरे की चपेट में कोहरे की वजह से जो ट्रेलर था, ट्रेलर ड्राइवर था, उसको लोग नहीं दिखे और वो अनियंत्रित हो गई ट्रेलर। साथ ही एक एंगल और भी निकाला जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेलर की ब्रेक फेल हुआ हो जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जी विभाषु, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।